आप सभी का स्वागत है। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए कौन सी वैक्सीन होनी चाहिए, कोवैक्सीन या कोविडशील्ड? ऐसे लगातार क्वेश्चंस हमारे पास कमेंट बॉक्स में हम नोटिस कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने कोवैक्सीन ली हुई हैं, जो कंसर्न हो रहे हैं कि क्या हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे समझ जाएंगे। कोविडशील्ड लगवाई हुई है तो उसका क्या फ्यूचर है, वो डिटेल्स आप जानेंगे। आने वाले टाइम में इंटरनेशनल ट्रैवल में वैक्सीन का कितना इंपॉर्टेंट भाग होने वाला है या ये कितनी रिलेवेंट होने वाली है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एक्स्ट्रा कैरी ऑन करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ से जो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, आईटा ट्रैवल पास। आईटा ट्रैवल पास आने वाले टाइम में मैंडेटरी हो सकता है, खासतौर से उस एयरलाइंस के लिए जिन्होंने आईटा के ट्रैवल पास के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। आईटा ट्रैवल पास बेसिकली आपकी सारी वैक्सीनेशन का और आपकी कोविड 19 के स्टेटस का एक तरह से एक रिकॉर्ड रखेगा। ये ट्रैवल पास कोई पास नहीं होगा, बेसिकली एक एप्लीकेशन होगी, जैसे आरोग्य सेतु ऐप होती है जिसमें हमारा सारा, जब इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर से रिलीज़ किया था कि भाई आप आरोग्य सेतु अगर आपके पास नहीं है तो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह और बहुत सारी जगह आपकी एंट्री वो अलाउ नहीं करते थे। वो कहते थे पहले आप आरोग्य सेतु दिखाएं, उसमें ग्रीन इंडिकेटर जब तक नहीं आता हम आपको एंट्री नहीं होने देंगे, राइट? कुछ कुछ ऐसे ही आईटा ट्रैवल पास हो सकता है। एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड हो सकती है ट्रैवलर्स के लिए जिसको बोर्डिंग के टाइम पे दिखाना होगा। बोर्डिंग के टाइम पे जब आप बोर्डिंग पास लेते हैं उस टाइम आपको शो करना पड़ सकता है, जहाँ पर आप अपना लगेज रखते हैं, सामने अटेंडेंट होता है, आप उसको अपनी टिकट देते हैं, वो इन रिटर्न आपको बोर्डिंग पास देता है, राइट? तो उस टाइम वो आईटा ट्रैवल पास आपसे कह सकता है आप मुझे दिखा दीजिए। आईटा ट्रैवल पास में भी आपका पूरा रिकॉर्ड होता है और ये आने वाले टाइम में हो सकता है मैंडेटरी हो जाए। दूसरी चीज़ कोविडशील्ड को लेकर आ जाते हैं। कोविडशील्ड ऑफकोर्स WHO द्वारा अप्रूव हो चुका है, और क्यों नहीं होगा, USA की वैक्सीन है ये, सबसे पहले इसी को अप्रूवल मिलना बिल्कुल बनता ही है क्योंकि ये सबसे पहले तैयार हो गई थी। कोविडशील्ड को WHO का अप्रूवल मिलने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए कोविडशील्ड जो है एक्सेप्ट हो जाती है। अगर किसी ने कोविडशील्ड लगवाई होती है तो दोबारा क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, क्या उसे बाहर जाके फिर भी क्वारंटीन फेस करना पड़ेगा या बाहर जाके फिर भी RT-PCR टेस्ट वगैरह या इससे सिमिलर टेस्ट कराने होंगे? तो सबसे पहले तो क्वारंटीन अगर आपने दोनों डोजेज ले लिए हैं तो फेस नहीं करना होगा। 99% केसेस में बिल्कुल फेस नहीं करना होगा, जस्ट 0.1% केसेस में हो सकता है फिर भी इमिग्रेशन ऑफिसर को आपके ऊपर डाउट हो जाए या कुछ है या उनके कंट्री के रेगुलेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएं तो अलग बात है, अदरवाइज़ क्वारंटीन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, RT-PCR टेस्ट जो है वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, काफ़ी सारी कंट्री आपसे मांग भी सकती हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज आपसे नहीं मांगेंगी अगर आपके पास ऑलरेडी ये होगा तो। तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि जब भी आप यहाँ से ट्रैवल करें उससे पहले जब भी आप बुकिंग कराएं, जहाँ से भी कराएं, उस टाइम अपने ट्रैवल एजेंट से या अपनी जो एयरलाइंस है उनसे रिकन्फर्म कर लीजिए कि वहाँ पर जाके मुझे क्या टेस्ट कराने हैं और उसकी कॉस्ट कितनी होगी ताकि मैं उसका बैकअप लेकर चलूँ। तीसरा, यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे थे Sputnik 5 को लेके कि Sputnik 5 इंडिया में अवेलेबल है, रशिया में पैकेजेस हो रहे हैं Sputnik के, ये वो। सबसे पहले ये बिल्कुल सही बात है कि Sputnik 5 को लेके काफ़ी सारे मार्केट में पैकेजेस रिलीज़ किए गए थे कि आप रशिया जाइए और वहाँ से दवाइयाँ लेकर आ जाइए। Sputnik 5 जो है बेसिकली इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुई है, मतलब लॉन्च ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए बिल्कुल होने वाली है, थोड़े दिनों में ये हर जगह अवेलेबल हो भी जाएगी। बट जो ये पैकेजेस जो भी अनाउंस हुए थे, रशियन गवर्नमेंट ने उसको डिनाउंस किया फर्स्ट। सेकेंडली, रशियन एम्बेसीज ने ये तक अनाउंस किया कि जो जो कंपनीज ऐसे पैकेजेस को प्रमोट करेंगे हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, राइट? तो बेसिकली वो एक मार्केटिंग गिमिक था जो एकदम से बबल बना और बस्ट हो गया, तो उस पर देर इज़ नो सच रिलेवेंस। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कोवैक्सीन पे, जो काफ़ी सारे यहाँ पे आप लोगों का कंसर्न हो सकता है। अगर आपने कोवैक्सीन की डोज लगा दी है तो क्या आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले बात आपको ये समझना होगा कि काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने, इंक्लूडिंग कैनेडा, जिन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि जब तक आप WHO अप्रूव्ड वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तब तक आप नहीं आ सकते। ओके, तो उस केस में कोवैक्सीन अभी अप्रूवल पे नहीं आई है, अभी उसे अप्रूवल नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये है कि कोवैक्सीन पे आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे फॉर द मोमेंट, सिर्फ फॉर द मोमेंट। आने वाले जो हमारी कैलकुलेशन कहती है कि मैक्सिमम 2 से 3 महीने के अंदर, आने वाले 2 या 3 मैक्सिमम, हो सकता है उससे पहले ही हो जाए, कोवैक्सीन जो है WHO से अप्रूव हो जाएगी। ऐसा पूरी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बिल्कुल अप्रूव हो जाएगी और अप्रूव होते ही आप जा पाएंगे, राइट? पहली बात तो किसी भी कंट्री ने ऐसा नहीं बोला है कि कोवैक्सीन वाले पैसेंजर्स को हम अलाउ नहीं करेंगे। कुछ कंट्रीज़ ने ये ज़रूर बोला है कि WHO वाली होनी चाहिए, उसमें कोवैक्सीन का नाम नहीं है। ओके, तो जब WHO से कोवैक्सीन अप्रूव्ड ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली कोवैक्सीन वाले ट्रैवलर्स वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, फॉर द टाइम बिंग ओनली। बट आने वाले टाइम में वो भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जैसे जी मैंने अभी एक्सप्लेन किया।
तो अगर आपने कोवैक्सीन लिया हुआ है और उस कंट्री की ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है या मैंडेटरी शर्त नहीं है कि आपको WHO अप्रूव्ड ही वैक्सीन लेनी होगी, तो उस केस में आप तब भी ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कोवैक्सीन वाले ट्रैवलर्स तब भी ट्रैवल कर सकते हैं। बस वहाँ पे क्या हो सकता है कि कोवैक्सीन वाले ट्रैवलर्स को जाके RT-PCR टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, दैट्स ऑल। सिर्फ यही मैक्सिमम हो सकता है, यानी अगर किसी कंट्री ने मैंडेटरी किया है वहाँ पे नहीं जा सकते, अगर किसी कंट्री ने मैंडेटरी नहीं किया है WHO वाली वैक्सीन्स को, तो इस केस में वहाँ पर डेफिनेटली आप जा सकते हैं, आपको RT-PCR के टेस्ट देने पड़ सकते हैं, बस ये मैक्सिमम हो सकता है। और वहाँ पे इन केस अगर उनको डाउट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत रेयर टू रेयर केसेस में क्वारंटीन के लिए बोल सकते हैं, दैट्स ऑल, ये मैक्सिमम है। और जैसे ही इसका अप्रूवल आ जाएगा ये शर्तें भी हट जाएंगी, तो जो कि जैसे कि मैंने बताया 2 से 3 महीने में इसके अप्रूवल आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो इसलिए अगर आपने कोवैक्सीन भी लगाया हुआ है तो उसमें इतना डिसहार्टेड होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये मार्केट में फैलाया जा रहा है कि कोवैक्सीन वाले ट्रैवलर्स को, पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं बाहर जाने दिया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं आई है, ऐसी किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट ने, किसी भी बाहर के देश की किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह ही है। तो इसको आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें। आप कोवैक्सीन अगर आपने ली हुई है, रिमेन अश्योर्ड आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाएंगे, बस थोड़ा सा समय लगेगा, दैट्स ऑल, और कोई फ़र्क नहीं है। लास्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी COVID-19 के ये जो भी सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, चाहे वो कोवैक्सीन के होंगे या कोविड शील्ड के होंगे या आने वाले टाइम में स्पुतनिक के होंगे या कोई और नई वैक्सीन अगर इंडिया में आ जाएगी उसके होंगे, आने वाले समय में इन सर्टिफिकेट्स को पासपोर्ट से लिंक करने की पूरी पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। यानी अगर आपके पास, आपने दोनों डोजेज ले ली हैं और उस दोनों की सर्टिफिकेट आपके पास है, फिर रिलेवेंट अथॉरिटीज़ द्वारा आपके पासपोर्ट के साथ उन सर्टिफिकेट्स को लिंक कर दिया जाएगा। उस केस में जैसे कि हम कह रहे थे कि एक पासपोर्ट हो जाएगा, ये कोरोना पासपोर्ट या कोविड पासपोर्ट, वो अलग से पासपोर्ट नहीं है। बेसिकली इन्हीं सर्टिफिकेट्स को इन पासपोर्ट के साथ लिंक कर दिया जाएगा, जिससे रिकॉर्ड में आ जाएगा कि आपने दोनों वैक्सीन ले ली हैं। तो ट्रैवल करते वक्त ये चीज़ें जो होंगी, फिर आपको अलग से सर्टिफिकेट कैरी करना, अलग से डॉक्यूमेंट्स कैरी करना, ये आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं रह जाएगा। यानी देखिए, नियर फ्यूचर की बात करें उसमें तो आपको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही ये रेगुलर फेज आउट होने लगेगी ये प्रॉब्लम, फिर उसके बाद ये बहुत ही सिंपल, ऑर्गेनाइज्ड और कैलकुलेटेड हो जाएगा और आपके पासपोर्ट से ही वो सारा ट्रैक कर पाएंगे। आपके पासपोर्ट के लास्ट में देखिए बारकोड होता होगा, वो बारकोड को स्कैन करने से काफ़ी सारे रिकॉर्ड निकल जाते हैं। हो सकता है उस बारकोड के साथ उसे लिंक कर दिया जाए या फिर सीधे सीधे आपके पासपोर्ट नंबर के साथ लिंक कर दिया जाए। जो भी होगा, ये सर्टिफिकेट्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर अपकमिंग ट्रैवल फ्यूचर। थोड़े लंबे समय तक रहेंगे जब तक ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाती। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस और सारे डाउट्स आपके जो थे वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। आने वाले टाइम में और भी काफ़ी सारे अपडेट्स लेकर हम डेफिनेटली आपके सामने आएंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।